गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपको कक्षा 7 की अंग्रेजी की बुक रेनबो के लेसन 3 को पढ़ाया जाएगा। लेसन 3 है संजय द ब्रेव बॉय। ब्रेव मीन्स बहादुर। संजय एक बहादुर लड़का है। ये कहानी इसी के विषय में है। संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी था। ही लाइव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। एक दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग खो दी है। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुकड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। उसे हमेशा महसूस होता कि प्रत्येक उसकी टांग को देख रहा है और उसके चलने के तरीके पर हंस रहा है। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। इसलिए वह हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। एक दिन जब सुबह संजय नहीं जागा, उसकी माँ ने उसको उठाया। मदर वेक अप संजय। संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट। तुम्हें देर हो रही है। संजय मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। माँ मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। मदर वाई संजय क्यों संजय। संजय आई फील नेगलेक्टेड माँ। माई स्कूल मेट डोंट लाइक माई कंपनी। माँ मैं स्कूल में उपेक्षित महसूस करता हूँ। मेरे स्कूल के साथ ही मेरा साथ नहीं पसंद करते हैं। मदर माई डियर चाइल्ड यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। मेरे प्यारे बच्चे तुम एक बहादुर लड़के हो। डोंट लॉस हर्ट अपना दिल मत दुखाओ। अब निराश मत हो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ए डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। एक दिन आएगा जब सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। संजय हाफ हर्टेडली ओके मदर आई विल गो। आधे अधूरे मन से संजय ने कहा अच्छा माँ मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल। संजय धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। एज ही एंटर्ड द स्कूल जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया ही टोटर्ड एंड फेल डाउन वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टारिंग एट हिम। उसने महसूस किया कि बच्चे उसे घूर रहे हैं। सडनली दे ब्रश्ड इंटू लाफ्टर अचानक वे ठहाके मारकर हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल उसने अपने आप को दयनीय महसूस किया। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड उसे अपनी माँ के शब्द याद आए। ही कैप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास। उसने अपना सिर उठाया और क्लास की ओर बढ़ चला। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। मध्यावकाश के दौरान उसने अमित से बात करने का प्रयास किया जो कि उसके साथ बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित। अमित तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है ही सैड उसने कहा। बट अमित टर्न अवे टुवार्ड्स विपिन लेकिन अमित विपिन की ओर घूम गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हियर्ड हिम अमित ने उसे न सुनने का दिखावा किया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली। संजय अमित के और नज़दीक गया ताकि वह उसको आसानी से सुन सके। संजय हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम डू यू लाइक स्विमिंग। संजय ने अमित से कहा अमित तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है। क्या तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है। स्विमिंग मीन्स तैरना। क्या तुम्हें तैरना पसंद है। अमित विदाउट लुकिंग एट हिम यस आई लाइक स्विमिंग। अमित ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा हाँ मुझे तैरना पसंद है। संजय आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग। संजय बोला मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। अचानक सभी ने बात करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगे। अरुण इन डिसबिलीफ डू यू नो हाउ टू स्विम उसने आश्चर्य में होकर पूछा क्या तुम जानते हो कैसे तैरते हैं। ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग सभी विद्यार्थी हंसने लगे।
संजय वाज वेरी अपसेट। संजय बहुत निराश हो गया। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग वेरी रॉन्ग। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी माँ समझ गई कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है। मदर, व्हाट हैपन सन, व्हाई आर यू सो अपसेट। क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो। संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। संजय ने कहा कि मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी। विद्यार्थी मेरे साथ मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी। वे मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं करते हैं। मदर, डोंट गेट अपसेट सन। बेटा निराश मत हो। बी फ्रेंडली विद देम। उनके साथ आप मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल। अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। उसने देखा स्कूल के पास की नहर में एक लड़की डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल। उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपनी बैसाखी पकड़ा दी। शी हेल्ड इट। उस लड़की ने उसको पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड। पानी का बहाव बहुत तेज था। संजय कोट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली। संजय ने उस लड़की का हाथ कस के पकड़ लिया। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक। काफ़ी कोशिश और मेहनत के बाद वह उस लड़की को किनारे पर खींच कर ले आया। संजय वाज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। संजय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसको उसने बचाया था। ही वाज अमित सिस्टर रीता। वह अमित की बहन रीता थी। बाई देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड। इस दौरान काफ़ी आदमी इकट्ठा हो गए थे। एवरी वन वाज प्रेजिंग संजय। सभी संजय की प्रशंसा कर रहे थे। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचता है, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ए क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। सभी विद्यार्थी एक लाइन में खड़े हुए थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम। सभी विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी उससे बात करना चाहता था और हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सैड। इसी बीच अमित उसके पास आया और कहा, अमित आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी फॉर माई मिस बिहेवियर। अमित ने कहा, प्लीज़ मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए माफ़ कर दो। संजय, इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी। कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो, अपने आप को सॉरी फील मत कराओ। इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। सुबह की प्रार्थना सभा में स्कूल के प्रधानाचार्य ने संजय को स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द स्कूल। संजय दृढ़तापूर्वक स्टेज की ओर बढ़ने लगा अपने प्रधानाचार्य से वर्ष का बहादुरी पुरस्कार लेने के लिए। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट। अब संजय सभी का चहेता है। बच्चों, मैंने इस पाठ को हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। आशा है आप सब ने ध्यान से सुना होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं इसमें आए गए नए लेटर्स, जो नए वर्ड्स हैं, उनको बताने जा रहा हूँ। पहला वर्ड आया है नेगलेक्टेड। नेगलेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षा करना। फिर आता है कंपनी। कंपनी का मतलब साथ। हाफ हर्टेडली, इसका मतलब होता है आधे अधूरे मन से, बेमन से। टोटर्ड, इसका हिंदी मीनिंग लड़खड़ाया। ब्रश्ड इन टू, इसका मतलब होता है ठा के मारकर। चिंड अप, कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना। मिजरेबल, हिंदी मीनिंग दयनीय। प्रिटेंटेड,
इसका मतलब होता है दिखावा करना, ढोंग करना। ड्राउनिंग मीन्स डूब रहा है। कैनल, कैनल का मीन्स नहर। क्रच, क्रच मतलब बैसाखी। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित होना। रेस्क्यूड, रेस्क्यूड का मतलब बचाया। बच्चों इस पार्ट के जो लेसन है आपका, इसके प्रश्न उत्तर हैं, जो एक्सरसाइज वर्क है उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो मेरे शिक्षक साथी हैं अगर उन्हें ये पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी दिखाई दी हो तो वो भी बताइए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और जो कमी आपको दिखाई दी है वो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।